आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गायों की नस्लें। तो हम लोग गाय के भारतीय नस्लों और विदेशी नस्लों दोनों को कवर करेंगे आज के क्लास में। मतलब गाय के संपूर्ण नस्ल जो कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर में आते हैं और जो पीएटी में प्रश्न आते हैं, गाय से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं नस्ल से संबंधित, सबको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो गाय की जो भारतीय नस्ल है उसको हम लोग तीन भागों में पढ़ेंगे। पहला है गाय की दुधारू नस्ल। खास खास दुधारू नस्ल है जिसको आप लोग को याद रखना है, सिंधी, साहीवाल, गिर और दयोनी। ये चारों कैसी नस्ल हैं? तो दुधारू नस्ल। आप ये चारों का नाम अच्छे से याद रख लो। अब उसके बाद कृषि कार्य, कृषि कार्य इसी को ही बोलते हैं भारवाहीन नस्ल या भारवाहीन जातियाँ। तो भारवाहीन जातियाँ में कितने सारे नाम है? यहाँ पे 13 नाम है, और भी होते हैं, इतना ही नहीं है। आपको द्विकाजी नस्ल के नाम को याद रखना है, फिर बाकी जो बच गया वो भारवाही नस्ल है। तो द्विकाजी नस्ल का खास खास नाम है हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल। ये चारों नाम महत्वपूर्ण हैं, ये चारों भी द्विकाजी नस्ल हैं। ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। अब भारवाही नस्ल में, भारवाही नस्ल मतलब क्या होता है? उनके बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, और दुधारू नस्ल मतलब उनके गाय अधिक मात्रा में दूध देते हैं। अद्विकाजी मतलब उनके गाय दूध देते हैं अधिक मात्रा में, नहीं सामान्य मात्रा में। जो भारवाही होते हैं वो उसके बहुत कम दूध देते हैं, और जो द्विकाजी नस्ल होते हैं उसके उसके मतलब दुधारू इतना नहीं देंगे लेकिन कुछ कम मात्रा में देते हैं और ठीक ठाक दे देते हैं। और उनके बैल किस काम में आएंगे? तो उनके बैल भी कृषि कार्य में उपयोगी होते हैं, इसीलिए उसको द्विकाजी कहा जाता है। ठीक है, अब भारवाही नस्ल में खास खास किसको याद रखना है? जैसे कि कांगयाम, अमृत महल, मालवी, नागौरी, खिलारी। ठीक है, सबको याद रखना है, ये खास खास नाम है। अब विदेशी नस्ल देखते हैं। विदेशी नस्ल जैसे कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर। तो ये विदेशी नस्ल और भारतीय नस्ल में अंतर क्या होता है? विदेशी नस्ल बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, ठीक है, उनके ऊपर में एक कूबड़ नहीं होता है, हम्प नहीं होता है, ये विदेशी नस्ल की खास विशेषता है। और आपको एक एक करके मैं फोटो भी दिखाते जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्रॉस गाय मतलब जो भारतीय नस्ल देसी नस्ल से, भारतीय को ही देसी बोलते हैं, जो देसी नस्ल और विदेशी नस्ल दोनों के क्रॉस से बने हुए हैं, जैसे कि करन स्विस, जर्सिन और करन फ्राई। तो ये है क्रॉस नस्ल। अब सबको हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला ये जो दिख रहे हैं चारों, ये दुधारू नस्ल हैं। सबसे पहला नंबर की गाय हमारी सिंधी। सिंधी का मूल स्थान है सिंध, कराची, पाकिस्तान। सिंधी गाय का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग। और एक ऐसी गाय है दुधारू नस्ल, ये चारों दुधारू नस्ल ही हैं। सिंधी गाय का हम लोग एक फोटो देख लेते हैं। ये है सिंधी गाय, लाल रंग की है। दुधारू नस्ल का विशेषता होता है कि उनके थन का जो अयन मंडल हो काफ़ी बड़ा होता है, और थन भी बड़े बड़े होते हैं। हो गया सिंधी, देख लिया। अब दूसरा नंबर है साहीवाल, फोटो देखते हैं।
ये है साहीवाल, इसका शरीर को देखो, एकदम त्वचा इसका ढीली है। इसका रंग कैसा है? लाल भूरा रंग। इसका उत्पत्ति का स्थान है मांटगोमरी, पाकिस्तान। तो सिंधी भी पाकिस्तान की है और साहीवाल भी पाकिस्तान है। सौ सौ वाला याद रखना, दोनों पाकिस्तान के हैं लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग जिला। सिंधी कौन सा जिला? तो सिंध और कराची, और साहीवाल तो मांटगोमरी। साहीवाल भी एक दुधारू नस्ल है, सिंधी भी एक दुधारू नस्ल है। साहीवाल का शरीर बहुत भारी होता है और इसके गल कंबल बिल्कुल झूलते लटकते हुए होते हैं। इसमें आपको सब एक चीज़ अच्छे से याद रखना है, स्टार मार्क करके, कि ये यहाँ से प्रश्न आता है। भारतीय नस्ल में जितने भी नस्ल हैं, जितने भी पढ़े हम लोग, द्विकाजी हो या एक काजी हो, दुधारू हो, तो उसमें सबसे अधिक, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो साहीवाल है। इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद है गिर गाय। ये रही गिर गाय, देख लिए। इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़। गिर नाम का आपने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल नेशनल पार्क भी पढ़ा पढ़ा होगा छोटे छोटे कक्षाओं में। तो गिर को हम लोग पढ़ते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है वो राष्ट्रीय उद्यान। इसका रंग है, होता है लाल। ये दोनों को देख लिए, लाल या लाल भूरा रंग के हैं। इसका रंग लाल, काला, सफ़ेद और चितकबरा, मतलब बहुत सारे कलर के पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स यही कलर का है तो ही गिर गाय है। अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, सफ़ेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है और चितकबरा भी हो सकता है। इसके सींग छोटे होते हैं, देखो इसके सींग छोटे हैं तथा पीछे मुड़े हुए होते हैं, अर्धचंद्राकार। चित्र देखोगे तो याद रहेगा, ये अर्धचंद्राकार में पीछे मुड़े हुए हैं। और इसके पहले जैसे हम लोग देखे सिंधी में, देखो ऊपर की तरफ है, इसका सींग तो कटा हुआ है और इसमें कैसा है? पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, अर्धचंद्राकार है। अब हमारा आखिरी गाय है देवनी। ये है देवनी, सफ़ेद और काला कलर का मिश्रण है। इसका मूल स्थान है आंध्र प्रदेश। काला सफ़ेद पाया जाएगा या लाल सफ़ेद पाया जाएगा? जैसे कि यहाँ पे काला रंग का है और ये सफ़ेद रंग का है, तो ये लाल सफ़ेद भी हो सकता है, यहाँ पर लाल रंग का भी हो सकता है, इधर पूरा बॉडी सफ़ेद कलर का रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे द्विकाजी नस्ल के उदाहरण। सॉरी, द्विकाजी नहीं है, यहाँ से हम लोग भारवाही को पढ़ेंगे। अमृत महल, अमृत महल, उसका उत्पत्ति स्थान है मैसूर। उसका रंग है चितकबरा काला, ये है चितकबरा काला, हल्का हल्का काला काला स्पॉट है। ये है अमृत महल। सभी का फोटो नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना उसी का बस देखेंगे। हेलिकार का इसका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये गाय। इसका उत्पत्ति स्थान है हसन और भारवाही नस्ल है कांगयम। कांगयम का उत्पत्ति स्थान है कोयम्बतूर क्षेत्र, तमिलनाडु। कैसा नस्ल है? भारवाही नस्ल है। अब नागौरी, ये है नागौरी, इसका फोटो देखो। ये इसका नागौर नाम का जगह, नागौर राजस्थान का एक जिला है, तो वहां पाए जाने वाली गाय है। सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन उसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान। इसके बैल आप देखे होंगे बड़े और तेज
तेज बैल होते हैं ये। हाँ, ये बैल काफी बड़े आकार के होते हैं। इसका हाइट देखो, जमीन से देखो, सींग कितना लंबाई है यहाँ पे। तो बैल बड़े होते हैं तथा तेज होते हैं, चेहरा देखने से लग रहा है काफी तेज बैल। पूछ उठा रहे हैं। अब इसके बाद हमारी गाय है मालवी। मालवा, मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो उसका उत्पत्ति स्थान है मध्य प्रदेश। भारवाही नस्ल है, अभी जितना पढ़ रहे हो सब भारवाही नस्ल है। इसका कद छोटा होता है, ये देखो चित्र, इसका कद छोटा है। पवार, आलमबाड़ी, उत्पत्ति स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है। डांगी और खिलाड़ी दोनों का उत्पत्ति स्थान है महाराष्ट्र, इसको एक साथ याद रखना। उसके बाद है गंगा तीरी। गंगा नदी मैक्सिमम बहा हुआ है बिहार में, गंगा के आसपास पाए जाने वाली जो पटना क्षेत्र है वो कहाँ है? बिहार में है। गंगा नदी उसी आसपास बहती है। ये मध्यम आकार की होती है। केन कथा भारवाही नस्ल। खेरीगढ़, तो खेरीगढ़ है उत्तर प्रदेश और भारवाही नस्ल है। हिसार, हिसार कहाँ का जिला है? हरियाणा का। भारवाही नस्ल है, इसका शरीर भारी होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हरियाणा थारपारकर, मैं बताया था किसका उदाहरण है, तो ये द्विकाजी हैं, मुख्य रूप से द्विकाजी हैं, द्विकाजी नस्ल है। याद, गांठ बांध के याद रखना, हरियाणा और थारपारकर द्विकाजी नस्ल है। आपको कहीं ना कहीं, बाकी किसी को नहीं पूछेगा, आपको हरियाणा और थारपारकर को ही पूछेगा, द्विकाजी नस्ल रहेगा उदाहरण एक ही, ये दोनों रहेंगे। हरियाणा, हरियाणा का उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हिसार, करनाल। ये रोहतक, हिसार, करनाल तीनों हरियाणा के जिले हैं। और थारपारकर का उत्पत्ति स्थान है सिंध, पाकिस्तान। हमने सिंध किसका पढ़ा है? और सिंधी का। तो थारपारकर का भी हम लोग को याद रखना है कि ये सिंध। पाकिस्तान का हम लोग एक और पढ़े हैं, साहिवाल, मॉन्टगोमरी। तो हरियाणा का रंग सफ़ेद होता है और सींग छोटे होते हैं। यह है हमारा हरियाणा गाय, सींग छोटे छोटे हैं और रंग पूरा सफ़ेद है, कहीं पर काला दाग नहीं है। थारपारकर का चित्र देखते हैं। शरीर गठिला, सफ़ेद रंग या भूरा रंग के भी होते हैं। औसत ऊंचाई के सींग, और ये क्या है? द्विकाजी नस्ल है। अब द्विकाजी नस्ल ही है जितना भी देखेंगे वो। कांकरेज, ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गुजरात, गुजरात है ना जो भारत का नक्शा बनाते हैं तो गुजरात इस तरीके से बनता है, तो जो सबसे कोना वाला क्षेत्र है उसी को बोलते हैं कच्छ का रण, इस आसपास को वहीं पाए जाते हैं। इसके रंग चमकीला स्लेटी रंग का होता है, बहुत सुंदर बैल होता है। बैल सवारी चाल चलने के लिए प्रसिद्ध है, ये देखो काफी अच्छे बैल हैं। इसका रंग स्लेटी रंग का है, सींग काफी लंबे लंबे हैं, ऊंचे हैं ऊपर की तरफ। अंगोल का है, अंगोल जिला, द्विकाजी नस्ल और सफ़ेद रंग। ग्वाला का है सतपुड़ा पहाड़ी, और कृष्ण वैली और रथ को याद रखना है, दोनों द्विकाजी नस्ल है। कहाँ के हैं ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, हर चीज़ को नहीं पूछा जाता है परीक्षा में। अब देखते हैं निमाड़ी। निमाड़ी मध्य प्रदेश का है और द्विकाजी नस्ल है। अब यहाँ से हम लोग विदेशी नस्ल शुरू करते हैं। विदेशी नस्ल, विदेशी के सभी दुधारू हैं, कोई द्विकाजी या कृषि कार्य या भारवाही वाला नहीं है। सब कैसे नस्ल हैं? तो सभी दुधारू नस्ल हैं। हाल्स्टीन फ्रिजियन, ये मैं क्या बताया सबसे पहले, साहीवाल को भारत का सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, और हाल्स्टीन फ्रिजियन विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है।
इसको याद रखना, वहां पे भी स्टार लगाए थे, यहाँ पे भी स्टार लगा लेना। इस प्रश्न पूछता है, हॉलस्टीन फ्रिजियन में कूबर्ड नहीं होता है, ऐसे ये सभी विदेशी गाय का ना विशेषता है, ये हर विदेशी गाय में कूबर्ड नहीं होते, ये केवल हॉलस्टीन फ्रिजियन का विशेषता नहीं है। हॉलस्टीन फ्रिजियन का उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड, हाँ हाँ से याद रखना, हॉलैंड का नीदरलैंड, जर्सी का फ्रांस के समीप जर्सी टापू, ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, जैसे भारत के रहने वाले नागरिक को भारतीय बोलते हैं, इंडिया के रहने वाले को इंडियन, वैसी स्विट्जरलैंड के रहने वाले नागरिक को स्विस बोलते हैं, तो वहाँ की गाय है ब्राउन स्विस। आयरशायर, इसका नाम इसका याद रखना, स्कॉटलैंड इंग्लैंड। अब सबका एक एक करके फोटो देखेंगे। हॉलस्टीन फ्रिजियन ये गाय है, इसमें कूबर नहीं है, ठीक है। रंग काला सफेद है, देख लिए, और सबसे भारी, विश्व की सबसे भारी गाय भी यही है, सबसे दूध देने वाली तो है। इसका लंबाई देखो कितना लंबाई है, सोचो कितना भारी होगा। अब इसके बाद है जर्सी गाय, फ्रांस के समीप जर्सी टापू, इसका रंग है लाल रंग का और सफेद धब्बे, देखो ये लाल रंग का है, भूरा भी बोल सकते हैं, सफेद धब्बा तो इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन सफेद धब्बा हो सकता है। अब ये इसमें क्या विशेषता याद रखना है, सर्वाधिक वसा वाला दूध, दूध सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करती, हालांकि देसी नस्ल से तो ज्यादा ही करती है, लेकिन हॉलस्टीन फ्रिजियन इतना नहीं करती है, सर्वाधिक वसा वाला दूध पाया जाता है, इसको स्टार लगा लेना। अब ब्राउन स्विस का फोटो देखते हैं, ये है ब्राउन स्विस, इसका शरीर गठीला होता है, कुबड़ इसमें भी नहीं होते हैं, ये दूध तथा मांस दोनों के लिए उपयोगी गाय है, विदेश में मांस भी खाते हैं ज्यादातर, क्या बोलते हैं इसके मांस को, बीफ, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है विदेश में। आयरशायर स्कॉटलैंड सबसे सुंदर गाय, इसको याद रखना, सबसे सुंदर गाय आयरशायर ये है आयरशायर। अब इसके बाद हम लोग तीन प्रकार के क्रॉस गाय को देखेंगे, देसी और विदेशी के। तो क्रॉस में याद रखना, हमेशा जो उसमें जो गाय और किसका क्रॉस कराया जाता है, बैल नहीं, सांड का, तो हमेशा सांड होगा विदेशी गाय का, और गाय होगी मादा होगी देसी गाय का, भारतीय गाय का। मादा को लेफ्ट साइड में जब भी क्रॉस लिखते हैं तो मादा को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में नर को लिखते हैं। तो करण स्विस किसका किसका क्रॉस है, तीनों को अच्छे से याद रखना है, कौन कौन सा किसका किसका क्रॉस है, करण स्विस शाहीवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है। जर्सिन किसका क्रॉस है, सिंधी और जर्सी का, जर मतलब जर्सी, सिंध मतलब सिंधी, करण फ्राई, फ्राई सबसे याद आना चाहिए, यहाँ पे होल्स्टीन फ्रिजियन रहेगा, और यहाँ पे स्विस में क्या है तो ब्राउन स्विस। अब करण शब्द के लिए कोई फिक्स नहीं है, एक बार करण शाहीवाल बनता है, एक बार करण थारपारकर भी बनता है, ठीक है, वो करनाल के नाम से वहाँ डेवलप हुआ होगा इसीलिए है वो करण शब्द। तो जर्सिन का तो यहाँ तक आप लोग याद रखना। इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी पशु को पढ़ेंगे, जितना भी पशु है हम लोग का। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।